സ്വരത്തിലോടോ വാഹിഗുരു 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 कृपा होगी हाँ जियो 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 पंगवाड़े जियो वाहेगुरु शब्द नु सुनो वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु 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 वाहेगुरु जी दंडवत बंदन अनक बार हाथ जोड़ो सारे मुबारक नेत्रा नाल गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करो दर्शन करते हुए सारे बोलो दंडवत बंदन अनक बार सर्व कला राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे अगम अगोचर सच साहेब मेरा साहेब गुरु ग्रंथ साहेब पिताजी सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले बुलाया तेरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गज वज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु सिखा अपने मन नूं एकाग्रता च लिया कई बार चारे पुत्तां नूं
इधर गया हो अगर चौवें पुतां साहित लिखते हैं शस्त्र विद्या सिखाते हैं सीखते हैं चौवें पुतां कदी कदी टाइम मिलने ते बाप अपने सामने पाउंदा सी आखो हे गुरु किन्नियां नूं शाबाश जदों तुसी मेरे नाल बोलोगे मेरियां तीआं मेरे वीर ते मैं राती अद्धी रात आस्ट्रेलिया तो आण के आप जी दे दर्शन करन आया मैनूं पता लग जू वी तुसी सुणदे हो आखो हे गुरु जो तुसी इस गल ते ध्यान टकाओगे कोई बाप चौवां पुत्रां नूं कदी कदी जिंदगी दे फुरसत दे पलां विच कोल पाउंदा सी केड़ा बाप पला गुरु गोबिंद सिंह साहब कदी कदी पाउणा कताली साल नौ महीने ते पंद्रह दिन इस देह च कटे ने गुरु गोबिंद सिंह ने चेता रखो किन्ने बोले ने मैं तीआं भी बोलो सारे बोलो कताली साल नौ महीने ते पंद्रह दिन इस देह च कटे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने जिन्हां दे नाल बच्चे आया मेरा तरला है मेरिया तीआं चुप कराओ जे नहीं ते बाहर जाके सुन सकते हो एकाग्रता ना टुटे उन्हां 41 साल 9 महीनिया ते 15 दिनां विचों कदी किते जदों फुरसत होनी ते चौवां साहिबजादियां नूं अपने सामने बणा ते बाह के कुछ कहानियां सुनाउणियां पुत ज्यों मछली बिन पाणी ऐ बोलो जरा ज्यों 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 मछली क्यों जीवन पावे क्यों जीवन पावे कितना एक मच्छी पानी तो बिना जिंदी रह सकती बूंद बहूना चातर को क्यों कर तृपतावे पपिया एक बूंद तो बिना कितना तृप्त हो सकता है पुत्रो आखो वाहेगुरु नाद कुरंके विद्या सनमुख उठतावे ये देखे ना प्रमाण पवर लोभी कुसम बासका मिल आप बंधावे बाप दसदा वड्डे वडेरियां दीआं कहानियां ते पिछली तुक विच जाके अखां च अखां पा के सत साल दे पुत नौ साल दे पुत चौदह साल दे पुत ते अठारह साल दे पुत इन्हां सारिआं दीआं अखां च अखां पा के कहिंदा पुत्रा जितना मच्छी पानी तो बिना नहीं जिंदी रह सकती बूंद तो बहुना चातरक शांत नहीं हो सकता लोभी कुसम वासका जड़ा हुंदा है ना पवरा वो वासना तो बिना जिंदा नहीं रह सकता पुत्रा त्यों संत जना हर प्रीत है बोलो त्यों मेरे पुत्रो जिहड़े रब दे प्यारे हुंदी जितना उन्हां तिन्हां चौवां दा प्यार मैं तुहानूं दस्सिया है इतने ही रब दे प्यारे हां वार वार अपने गुरु को जासां वार वार अपने गुरु को जासां हां वार वार अपने गुरु को जासां इतना ही जितना पवरा फुल तो बिना नहीं रह सकता मच्छी पानी तो बिना नहीं रह सकती हरन नाद तो बिना नहीं रह सकता पुत्रो इतना ही रब नाल प्यार करन वाले अपने गुरु दे उत्तों वारे वारे हो जांदे कई वार दस्या ते एक दिन जुझार सिंह ने पूछया बापू तू सानू मच्छी दी कहानी सुनाई सुनियो जी गुरु किस सुन रहे हो तू सानू मच्छी दी कहानी सुनाई
तू सानू भंवरे की कहानी सुनाई, तू सानू चातरक की कहानी सुनाई। बापू अज असी तेरे को कहानी सुननी चाहते हैं पतंगे की। पतंगे कुछ बोलो, मैं की कह रहा भला? पतंगे की। पतंगा किसके नाल प्यार करता? रोशनी ना। शाबाश मेरी जी, आखो वाहेगुरु। बलती हुई लाट दे उत्ते बापू सानू दस हाँ, जदों को पतंगा एक बार लाट नू वेख लैंदा पिछे क्यों नहीं मुड़दा? कोई इस इलाके दे विच तुहाडे च इस तरह की कहानी नहीं सुनते तुसी? लाट दीवा बल पै तो कोई पतंगा बापू गुरु गोबिंद सिंह साहब नू कहिंदा जुझार सिंह सानू सुना हाँ चौहान नू अज कहानी, उन्हूं उत्थे की दिस पैंदा है? किनू? उची बोलो। ओनू उस दीवे दे विच की दिस पैंदा है? कि ओनू सौ बार तुसी इतना कपड़े दे नाल करो परे चल जा परे चल जा सड़ जाएगा परे चल जा सड़ जाएगा, कहिंदे कि नहीं? मगर मुड़दा क्यों नहीं? ते बाप अपने पुत्रां नू सुनाउंदा है, सुन रहे हो जी? बाप अपने पुत्रां नू सुनाउंदा, पुत्र उन्हें जिन्हों वेख लिया ना उन्हें रोशनी ना प्यार किया है। तुसी ते मैं सचमुच ही रोशनी ना प्यार नहीं किया, असी रोशनी वेखी नहीं अजे कि वेखी जे बोलो कित्थे है, कित्थे है भला? गुरु ग्रंथ साहब इहदे उत्ते रुमाला सभाए मांगना विचों फिर एक लाट निकल रही, विचों रोशनी निकल रही। जिहड़े असीं अजे पतंगे नहीं ना बने, आखो वाहिगुरु। पतंगा एक बार रोशनी नूं वेख के वापस नहीं जे जांदा, पता जे कि नहीं? बोलो नीली पग वाले गुरमुखो, पता जे मुड़दा है? असीं ते जुल्लिआं चों ना निकले। आ मैनूं हुणे बुल्लेवाल कोई बुल्लेवाल सिख दस रहा सी, आंदा मैं पिंड पिंड विच जाके स्पीकर चुकिया हो, इस वेले ते उन्हां नितनेम कीता तुसी बिस्तरियां च सुते हो। सरसा नदी तो कंडे पार जाके ढाई बजे उठ के गुरु गोबिंद सिंह साहब ने की कीता सी? बोलो ना तिया पुत्र वीर दसो। आसा दी वार नितनेम कीता, बाणी पढ़ी, उन्हां ही दिनां दे विच असी जुल्लियां चों ना निकलीए। साडे नगर विच आवाजां वजदियां रहन भी चलो भई एक बार उठो, उठ के एक बार इन्ना ही कह लो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब, बस इन्ना ही हाजरी लग जाओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहणगे मेरे पुत्तां ने मैनूं याद किया, अज दा दिन मेरे पुत्तां ने मैनूं याद किया। आखो वाहिगुरु। जदों तुसी अज दे दिन भी वह दिन नहीं चेते किया भी कोई दादी मां होगी वडेरी उम्र की नंगे पैर होणगे, आखो वाहिगुरु। मैं दुखदाई नहीं जे नूं सुणाउंदा, मैनूं बड़ा दुख हुंदा जदों सिंह साहब यह आदेश करदे, प्रधान यह आदेश ताडे हुशियारपुर दा करदा है, मठियाई ना बणायो कोई। साहिबजादां दा शहीदी दिहाड़ा अज, क्यों कड़ा प्रसाद लून वाला बनावोंगे? अज चिथो थोड़ा जा कड़ा प्रसाद अज लून वाला बनाओगे? वो नहीं मिठा? सिख नूं ते कहा सी तू भाणा मनना तैसा हरक, उची उची बोलो जिन्हों जिन्हों बाणी हुंदी तैसा हरक। इहदा मतलब है भी गमी ते खुशी इको जी। इन्हां नूं किन्ने सिखाता है तुहाडे धामी उहनां नूं? ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ? ਲੱਗਾ ਪਤਾ? ਇਹ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਮ ਨੇ। ਤੈਸਾ ਹਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ? तैसा तैसा उस अगे की आनंद गमी कितों आ गई? साडे वड्डे वडेरियां ने तत्तियां तवियां ते बह के ये बचन गाए सी, तैसा हरक तैसा उस।
प्रभ की आग्या आत्म हतावै जीवन मुक्त सो। इहदा अर्थ नहीं कदी पढ़िया, पढ़िया रब की आग्या नूं अपने जीवन विच हंडावे। जैसी आग्या किन्नी ठाकर तिसते मुख नहीं मोड़े। आखो वाहिगुरु। दस दस लख दा जो सिर ते चंदोआ झुलदा सी उही गुरु गोबिंद सिंह सी। जदों अज तख्त छड के नंगे पैरी तुर पिया गंडियां दे उत्ते उही गुरु गोबिंद सिंह। चेहरे दी कोई लाली नहीं नाप सकिया भी जिदन सिर ते चंदोआ झुलदा सी उदन महाराज सोहणे लगदे सी। ते अज कंडियां तों ते तुरे जांदे ते महाराज दे चेहरे ते उदासी। ये तुहाडे इतिहास नूं कलंकित करन नूं गल्लां सुन रहे हो, गल्लां सिखाईयां जा रहियां ने इन्हां नूं भी अज कि अज नगर कीर्तन दे विच मिठा नहीं वंडना। मैं इको क्वेश्चन आप जी नूं कीता, अज कड़ाह प्रसाद मिठा पाया जे कि लून पाया जे? ते जे कड़ाह प्रसाद मिठा वंडिया जा सकता ते मठियाई क्यों नहीं? फिर मैं ये भी एक तर्क देना हुना तुहाडे चौकीदार। आखो वाहिगुरु। ये कहना हुना भी तुहाडा बच्चा पेपर देन गया, सुनो भैणो तुहाडा बच्चा पेपर देन गया, साल भर पढ़ाई कीती, जे 100 नंबर लेके पास होवे ते तुसी लून वाला प्रसाद वंड दिओ, बोलो ना मिष्ठान वंड दे। ते जे शहीदी दी लड़ाई विच ओ तुहाडे वीरां ने 10 लख नाल लड़ के 100-100 नंबर लए ने दोवां ने, पता लग रहा जी किने किने, ते 7-9 साल दे ने नीहां विच खलो के भी जकारे छड्डे ते 100-100 नंबर लए ने। ते तुहाडे छोटे भरा भी पास होके होए, वड्डे भरा भी 10 लख च लड़ के पास होए, फिर गमी कादी? कोई सिखा रहा है तुहानूं, तुहाडे लंगरां तों कुछ सड़दा है? अज दे दिन इन्हां दे वड्डे वडेरे शहीद होए, ये मठियाइयां क्यों वंडदे ने? क्यों ना वंडीए? आखो वाहिगुरु। साडे दोवें भरा किन्ने किन्ने नंबर लैके पास होए? 100-100 नंबर। सिर जाए तां जाए, मेरा सिखी सिद्धक ना जाए। सिर सिखी सिद्धक ना जाए, मेरा सिखी सिद्धक ना जाए। सिखी नौजवानों तुसी सुनियो, नौजवानी हो अजे सुनियो तुसी, भाई साहब जी बड़ा सोहना शब्द पढ़िया, जो तो प्रेम खेलन कचाओ, बड़े वजद जगाया, मेरा गुरु तुहानू होर रसना ते बल बख्शे। जिदन साहबजादे की शहादत का दिन होंदा, फतेहगढ़ साहब भी ते चमकौर साहब भी, शब्द ते साढ़े वीर रस दे पढ़े जाते, रोना कित्थों आ गया? नहीं पता लगता शब्द ते सारे ते एक एक बच्चे की जबान ते होंदे दे शिवा। कमाल की गल है, एक पासे मौत मंग रहे हो, एक पासे कहिंदे मठियाई नहीं वंडनी। खैर मेरा टाइम ना इधर बहुता हो जाए। आखो वाहिगुरु। दुख सुख दोनों सम कर जाने लिखिया गुरबाणी च, दुख ते सुख नू एक रस मनना है। जे घर च कोई जम पिया ते तां वी आनंद साहब, जे किसी का आनंद कारज है ते तां वी आनंद साहब, जे घर चो किसी की अर्थी उठ गई आ ते भोग वाले दिन आनंद साहब। सिखा थोड़ा जा सिख अज दे दिन तो तेरे इतिहास में बड़ा कुछ घोल देना है लोगों ने, खुशी ते लंगर वखरा, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर क्याली, कित्थे लिखिया सी तेरे लंगर दे विच कदी इस तरह की सोच भी रखनी, अज गमी दा दिन आ। फिर सुनाउंदिया सुनाउंदिया सुनिया, बापू सुन रहे हो ना? उत्थे ही हो ना बापू? सानू तू कदी पतंगे की कहानी सुना सुना, किन्ना प्रेम करता है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कई बार मुखारबंद तो हस के, जो मेरा साहब हसदा सी ना, हसदा सी भाई वीर सिंह साहब, पता की कहिंदे? जिन्ने सवेरे फुल खिड़दे ने ये सारे उदों खिड़दे जदों गुरु गोबिंद सिंह हसदे आ। उन्हां दे हासे विच इन्ना रस छुपिया पिया भी हर फुल दियां पत्तियां
ਉਦੋਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਲਈ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਲਈ ਮੁੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੂਗਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਬਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਧੀਓ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਕਿਸੇ ਤਵੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਓ ਨੇਰਾ ਹੀ ਨੇਰਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਣੇ ਮਿਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਣੇ ਤੇ ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰਨ ਨਾਦ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਤਪਈਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਤੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਉੱਠੋ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਧਰ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਧਰ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਬੁਲਾਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲਾਂ ਧੀਓ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜੇ ਨਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਟਾਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਣੋ ਇਹੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਆਈਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋ ਸਿੱਖੋ
मैं पूछया तू पुत अपने बच्चे दे केस क्यों कटाए, कहिंदी इहनू पुछो, बच्चे नू पुछो। मैं बच्चे नू गल ना लाया, सुन रहे हो जी, बच्चे नू गल ना लाया। मैं गल ना ला के पुछया बत्तू तू केस क्यों कटाए, तेनू की पता केस की हुंदे? कहिंदा मेरी मम्मी ने 20 रुपये देते सी पी कटा के आई, मेरे को रोज एदा जूड़ा नहीं गुंदिया जांदा, मेरे को इहदे केस नहीं गुंदे जांदे रोज। कौन कौन घंटा लावे? जदों तियां मावां यह कुछ कहणगियां, एक वह मां सी जिहड़ी बच्चे अपने नूं इतना नहीं सकिंदी, उठ आण के फतेह बुलाउंदी सी हथ जोड़ के, ते कहिंदी उठो तुसीं इशनान कर लो मैं तुहाडा लंगर लंगर कहो खाने वाले हो, यह खाणा शब्द कित्थों आ गया, तुहाडा खाणा बना लां, साडा शब्द लंगर आ, आखो वाहिगुरू मैं तुहाडा लंगर बना लां। लंगर बन जांदा सी ते मैं क्या, मैं कई बार अपने कमरे चो वेखदा सां पुत तू इन्हां दे केस गुंददी, इन्हां दे सिर ते दमाले सजाउंदी, नाल शब्द पढ़दी सी बड़ा, पूता माता की निमख ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो, तू ये बड़े सोहने शब्द पढ़दी सै, तू कदी इन्हां नूं पुत कह के नहीं बुलाया, तुसी कह के बुलाउंदी सो, ते मैं उहनूं पुछदा सां ते उह बड़े वराग विच, धीओ सुनो मैं तुहानू नीवियां नहीं कहिंदा ते उहनू उच्ची नहीं कहिंदा, मगर उहदा कर्म वेखो। पौने 2 बजे सवेरे उठ के इशनान करदी सी बीबी, सुनो किन्ने बजे, पौने दो बजे उठ के करके इशनान, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चौंकड़ा मार के बह जांदी, 7 बजे उठदी सी, 7 बजे तक वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप ते 5 बाणियां दा पाठ करके अपने बच्चियां दा लंगर बनाउंदी सी, जिन्हां मां गुजरी दे बच्चियां वर्गे बच्चे बनाउणे ने। इतिहास नाल प्यार करन वाले हो, शहीदी दिन मना रहे हो, बड़ा प्यारा है, मनाओ, चेते रखियो इन्हां नूं, चौहां नूं आखो वाहिगुरू। बड़े सोहणे बोल बोलदिआं बोलदिआं उहने इह गल मैनूं कही, मैं क्या तू इन्हां नूं फतेह बुला के इन्ना प्यार करदी ऐ, तैयार करदी ऐ, दमाले बन के देनी ऐ, पिछे निक्कियां निक्कियां ढालां ला के देनी ऐ, इन्हां नूं गोरे को स्कूल च कहिंदे नहीं? कहिंदी ना, हर कम्यूनिटी दे बच्चे आण के इन्हां दे नाल फोटो सैल्फी खिचा के अपने घर च खड़दे, एहो जे बंदे ममा असीं वेख के आए हां। ते मैं क्या तू क्यों इन्ना प्यार करदी ऐ? वह बच्ची दा सी, खालसा जी ये मेरे पुत नहीं, सुन रही पुत, ये मेरे बच्चे नहीं, ये मैनू माता साहिब कौर ने 2 बूटे दिते ने, बूटे दिते, बूटे सिख कौम दे बाग विच लाउण नू ये 2 बूटे दिते ने, ते माता साहिब कौर ने कहा ये 2 बूटे पाल दे तेरी सिखी पूरी हो जो। अज आपां नहीं करदे इतना, बच्चियां दे तड़ा तड़ केस कट रहे हां, इतिहास सुनना आ उन्हां दा जिन्हां ने गाया सी, सिर जाए ता जाए मेरा सिखी सिद्धक ना जाए, सिर जाए ता तराने उन्हां दे गाउने आ, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरूं ता हर के द्वार, मरूं ता हर के द्वार, मरूं जदन दे तुसी ते मैं तराने सिखाउणे शब्द बंद करते, समझ रहे हो जी, तराने मैंने गीत जदों दे इन्हां दे कन्नां च गीत पाउणे बंद करते, अज सड़क ते डिग्गा समैक पी के डिगे हुंदे कि नहीं पुत, बोलो ना, सारे तुसी इत्थों दे रहण वाले हो, रोज तमाशे वेंदे हो, कोई किते सड़क ते डिग्गा, कोई किते मुंह दे विचों झग वग रहे ने, इन्हां दा कसूर नहीं गा, इन्हां दा कसूर नहीं गा, प्यो दा भी कसूर आ, ते मां दा भी कसूर आ, ते समाज दा भी कसूर आ, राजनीति दा भी कसूर है, एक दा राजनीति दा भी कला ना कढ़ना, आखो वाहिगुरू, गज के बोलो, राजनीति दा भी कला कसूर ना कढ़ना जी, फलाने पार्टी ने नशे बकाए, सिखा वेख जे किते बूटे नूं किते तू पानी पूरा दिता हुंदा ना, आखो वाहिगुरू, ते बूटा एहो ही गाउंदा, सिर जाए ता जाए मेरा सिखी सिद्धक ना जाए, सिर गाओ हां बोला, मोहे मरने का चाओ है,
मोहे मरने का चाओ है, मोहे दोवे पुत बोल उन्हें पाल के सिखी दे बाग चलाते ते आख्या मिनू माता साहब कौर ने कहा भी ए दो बूटे सिखी दे बाग च पाल दे जिन्हियां तुसी मेरियां भैणां बैठे हो बीज बैठे एक बार तुहाडा चेता दवाउणा आपो अपने बच्चियां दे केस गुंददियां जे कि नहीं जिहड़ी गुंददी एक बार हथ खड़ा करो मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं कहां महाराज दियां झोलियां भर दे शाबा गुंदिया करो आखो वाहेगुरु बच्चियां दे केस अपने हथीं बोलो गुंदिया करो माता गुजर कौर नूं ठंडे बुरज दे विचों मोती राम मेरे ने आख्या भी अज इन्हां दोवां नूं सद लैणा है उन्हां ने किथे कचहरी च शाबा च जिउंदे रहो भागां वाले हो कचहरी च सद लैणा वा ते अज लास्ट मैसेज आ भी इन्हां ने मुड़ना नहीं सत्त ते नौ साल दे किने किने जी एक बार बोलो वड्डे दे नाम बाबा जोरावर सिंह ते छोटे दा नाम बाबा फतेह सिंह साहब ये जड़ी जोड़ी खलोती सी हुण इस तरह दे ही होणगे चंगी तरह चेता रखियो इन्हां ने मुड़ना नहीं ते जे अज तो बाद मां तेरा दिल करे फतेह सिंह नूं वेखण नूं आ सुणियो फतेह सिंह नूं वेखण नूं दिल करे जोरावर सिंह नूं वेखण नूं दिल करे कित्थों वेखेंगे ते पता उन्हें की किया सी मां नाल सुणियो धीओ मां गुजर कौर ने कहा सी जदों किसे मां दा बच्चा सत साल दा हो ते उहदी मां उहदी दादी उहदे केस गुंद के गुरद्वारे लिया के अज तरह दे ने दमाला सजाया बच्चे ने इस तरह दा दमाला सजा के जदों इत्थे आऊगी लै के उंगल ला के ते मैं उस बच्चे तो अपना जोरावर सिंह वेख लिया करूं सुनो माइयो सुनो माइयो धीओ सुनो जदों कोई सत साल दा आऊगा केस गुंद के दमाला सजा के ते मैं इत्थे बैठी गुरु ग्रंथ साहब दे विच वेख लूंगी मेरियां धीआं ने मेरे फतेह सिंह नूं अजे गवाया नहीं मेरा फतेह सिंह नवें उम्र तो मेरी धी दे घर पल रहा है चेता रखियो अज दे इतिहास च पाल दो सिखी ना कदी मरी सी एक गल नोट करो ना सिखी मरी सी ना अज मरी है ते ना इन रहिंदी दुनिया तक मरना है सिखा चेते रखी अमृत चो पैदा हुई हूं ते पहले दिन ही गुरु ने कहा सी अमृत पीवो ते लिमिट नहीं सी कोई दसी दस साल जींदे रहो भी साल सदा चिर आलवेज रहिंदी दुनिया तक सिखा ए बाणा भी रहू इस रूप भी रहू खालसा अकाल पुरख की अकाल पुरख की फौज कदी खत्म नहीं होंदी जदों तुसी फतेह बुलाउंदे हो ना ना गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा कहिंदे हो ना माता गुजर कौर दा कहिंदे हो ना गुरु नानक साहब दा कहिंदे हो कहिंदे वाहेगुरु जी का ते वाहेगुरु जी की फतेह ए गल्लां नोट करियो ते जिहड़ी चीज वाहेगुरु दी आ ओह खत्म नहीं कदी हो सकदी नोट करियो बड़ा कुछ घेरे पैंदे तुहानूं आखो वाहेगुरु गज के बोलो बापू सानू पतंगे दी कहानी सुना ए मुड़दा क्यों नहीं बापू ने आख्या पुत पतंगे नू ए पता जिन्हू मैं वेख लिया एक बार किते प्यार नाल साहब गुरु ग्रंथ साहब वाल अखां करो चुको इथो जगदी होई लाट नू वेखो मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा इत्थे हाथ रखो गोड्या ते रीढ़ दी हड्डी सिद्धी करके अखां उत्थे टका दो जिथे लाइट आ गुरबाणी इस जग में चानण वल वेखो मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर चेता करी
तो शब्द कई बार हुक्मनामे सुनिया गुरपुरा भेटियो वडभागी मने पिया मन दी हनेरी कोठड़ी च प्रकाश करन वाला सामने चौर हो रहा उते सिखा एक वचन बड़ा प्यारा है सत करे जन गुरु पछाता पढ़िया कदी सत करे मतलब कहिंदी ते सारी दुनिया ना भी मेरा गुरु ग्रंथ साहब जी सामने प्रकाशमान आ सच करके नहीं मन्या आजे भी सचमुच मेरा गुरु आ ते गुर मेरे संग आ सदा है सो सतगुर प्यारा मेरे नदी नंगन लगे को डरदे हो बिजली नू हाथ लाउन लगे को डरदे हो अजे पछाता नहीं इनू पछाता नहीं जे बहुत घट लोगों ने पछाणिया जे इतना ही है ना जी सिख मत्था टेकन वाले बहुत ने सब सिखन को गुरु माने हो ए तुक पढ़ने वाले बथेरे ने मगर जे इन्हां नू कोई बाबा लभ जे उहदे पैरां ते मत्था जे इन्हां नू कोई पंडित लभ जे उहदी दुकान ते खलोते भी मिल जांदे जे इन्हां नू कोई कौडियां देण वाला मिल जे उहदी दुकान ते भी खलोते एडे खुले दाड़े वाले मिल जांदे जे यह सारा कुछ अज पिछे मैं एक पखंडी जी का डेरा वेख्या आईडिया ने खुलियां दाड़ियां वाले सिख उत्थे भी खलोते जिन्होंने सत करके गुरु नूं पछाण लिया सत करे जिन गुरु पछाता बोलो मैं सारिया धीआं कोलों भी सुनना चाहना बेटा तू किधर वेखदी पुछी बोलो ना सत करे जिन इहदा अर्थ यह बनता सच करके जिन्हां गुरु नूं पछाण लिया सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जीओ सो काहे को अर्थ पता लग गया ओ क्यों डरूगा किसे को किसे देवी किसे देवते किसे पीर किसे पकंबर को डरू जिन्हें पछाण लिया ओ चौर जड़ा हो रहा ओ कोई जाहर जहूर है हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल ओ मेरा गुरु मेरे नाल है उन्हें पूछया बापू पतंगा मुड़दा क्यों नहीं पुत्रा पतंगे नू ए पता लग गया वा भी जिधर नू मुंह किता उधर रोशनी है जिधर उधरों मुंह फेड़ के पिछे वेख्या ते पिछे की है ते हनेरे वेच मिनू कोई खा गया ते कौन जानू इत्थे को पतंगा रहिंदा सी नहीं पता लगा पता नहीं अजे लगा नेरे वेच पाते मौत ने मिनू फेर भी मौत ने मुंह च पा ही लेना जेड़ा जंग विच नहीं लड़िया अजीत सिंह दा भरा नहीं बनिया जेड़ा रोशनी वल नहीं गया मरता सजणों सारिया जाना है मगर अज दे दिन जड़िया गूंजा पै रही ने 10 लाख विच लड़ाउण वाला बाप चौंकड़ा मार पुत 10 लाख च लड़ाउण वाला बाप कित्थों लभू 10 लाख च लड़न वाला पुत कित्थों लभू आखो वाहिगुरु सोहनी तरह वेख्या आख्या पुत पिछे नेरा तां करके पतंगा पिछे नू इधर वेखो किधर चले गए तुसीं भी तुहानू ते मैं सुणाउण डिया सां आखो वाहिगुरु पुत पिछे की है नेरा है सिखा गुरु ग्रंथ साहब वल नू अखां करन च चाननी ते इहदे तों पिछे नू मूंह करन विच सारियां जिंदगियां नेरियां च गवाच गईयां ने अज चमकौर दी घड़ी आखो वाहिगुरु अद्धी रात नू आण के उतारा कीता है कच्चियां इट्टां दी गड़ी दे विच चेता कर लो अज दी जिहड़ी 23 तरीक आ आखो वाहिगुरु कच्चियां इट्टां उत्ती थां पहाड़ी दे उत्ते इक निक्की जी हवेली है दो भरावां दी है आखो वाहिगुरु राजपूत दो भरा ने दोवां दी हवेली है ते सरकार भाई बचित्र सिंह साहब नू रोपड़ छड के पूर माजरे तो दोवां पुत्तां नू नाल दे सिखां नू नाल लै के ते इस गड़ी दे विच पहुंचे दोवां नू पहलों पुछया भाई ये तुहाडी जगह है सानू कुछ समें लई मिल सकदी एक भरा सनमुख हो गया एक भरा बेमुख हो गया एक भरा ने आख्या जी मैं रखना है तुहानू आओ महाराज जरूरी चरण पाओ साडे घर विच साडी हवेली च आ जाओ आप जी एक भरा मुगलां कोलों डर गया उह कहिंदा मैं नहीं देनी जिन्ना के हिस्सा गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने दूसरे भरा दा लिया उहदे च जाके छड्ड जकारे दित्ते ये थोड़ा सी भी तुहाडा ते मेरा बापू किते टेंदी कला च भी कदी रहिंदा सी
चढ़दी कला का नाम है गुरु गोबिंद सिंह साहब। एक बार बोलो के कमाल दी गल बाप तोरिया तावी चढ़दी कला। जाओ बापू जी लिखे लाओ मां तोरी दो छोटे साहबजादे तोरे अगे ला के आप भी तुसी हुण ऐ नू चले जाना है। ध्यान दियो उदो भी बापू रोया नहीं। असी बस अड्डे चो बच्चा कनेडा नू चढ़ाउण जाइए ना ते मैं कल ही एयरपोर्ट तो आया मैं वेख्या धीआं नू तोरन गए भी लोकी रो रहे ने ते बच्चियां नू भी तोरन गए मुंडियां नू भी रो रहे ने ते मैं सोचदा सां एहो ही दिन ने बापू ए ते कनेडा चले पैसे कमा के इन्हां ने ते मोड़ आउणा है फिर इन्हां दे विआह होने ने गल ना लाउणे ने। ओ मेरे सतगुरु तेरा किड्डा कलेजा सी तू उधर नू तोरे तेनू पता सी इन्हां मुड़ के नहीं आउणा फिर भी तू बड़े प्यार नाल तोरे घरदियां नू माता साहिब कौर नू माता सुंदर कौर नू तोरिया मन विच किते विराग नहीं आया। चढ़दी कला दा नाम की है ना सरो मन सूर गुर गोबिंद सिंह। बोलो एज दी मन जूर गुर गोबिंद सिंह एज दी हक हक आदेश गुर गोबिंद सिंह। जेड़ी जेड़ी धी प्यार कर दी अपने बापू ना जेड़ा जेड़ा पुत कर दाए धन गुरु गोबिंद सिंह ना प्यार हक हक आदेश गुर गोबिंद सिंह। थोड़ा जा खून नू गर्म करो बांह चुक के आखो हक हक आदेश गुर गोबिंद सिंह हक ओ बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह बादशाह एज दी मंजूर गुर गोबिंद सिंह ऐसा मेरा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह चमकौर दी गड़ी च उतारा कीता ते आण के सारिया सिखां दे चेहरे वल एक एक वार एक एक सिख दे चेहरे वल गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वेख्या की वेख्या भी किसे नू थकावट तो नहीं होई। छे महीनिया दे भुखे ने किन्निया दे जी किसी और बुली उच्ची बोलो ना पानी ना प्रशादा जिदन किला छड़ना सी ना धीओ सुनो तुहाडे चो कुछ जुड़ियां ने जिदन किला छड़ना सी ते एक दिन पहलो लांगरी ने आण के आख्या महाराज सारियां पड़ोलियां फुलियां ने एक प्रशादे दा लंगर निकलिया एक प्रशादा। सुनो गुरु के सिखो अज साडे कोल किन्ने किन्ने सुख ने फ्रिजां भरियां फ्रूटां दे नाल भरियां कि नहीं बोलो पड़ोलियां भरियां अन्न नाल दुनिया भर दे सुख कपड़े गर्म ते सर्द साडे कोल हैगे एक प्रशादा निकलिया लांगरी ने बना के लिया उत्ते कपड़ा पा के सुन रहा पुत तेनू सुना पुत आ बच्चा सुनो ध्यान पता नहीं चोट वज जे मैं परसों सिडनी कथा करद्या एक तेरे वांगू ने दाड़ा कटिया सी अख वाहेगुरु मैं तेरा की ना है कहिंदा मलकीत सिंह। सुनो गुरु के सिखो मलकीत सिंह गुरप्रीत सिंह माफ करो गुरप्रीत सिंह कथा करन तो बाद दास ने उन्हों आख्या सिख बन नू दिल नहीं करदा सिखी च आउन नू दिल नहीं करदा उन्हें इतना किया जिहड़ा मेरे गल च सरोपा सिखा ने सिंह उन्हें पाया ही कमेटी वालियां एक तुहाडे वर्गा सिख विच बैठा सी मैं कहा आओ जी जीवन वाले गुरसिखो अगे उठ के आओ वह अगे सिख आया दास ने उन्हें सरोपा देता मैं कहा इस बच्चे दे गल च पा दे अज दे दीवान दे विच सब तो ज्यादा किसी की झोली भरी आ ते उस सिख दी जिन्हों सिखी मिल गई जिहदे कोलों सब कुछ खुस गया जिंदगी च ओ बे किस्मता वाला सिख है जिहदे बच्चियां ने केस कटाते जिन्हें आप केस कटाते जिन्हां दे घरों सिखी दा बूटा सुक गया उहदे जिड्डा बदकिस्मत ही कोई नहीं जिहदे घर च कमलाया बूटा हरिया हो गया उहदे वाला किस्मत वर्गा सिख ही कोई नहीं। सिखा प्यार कर सिखी नाल ये बड़ा अफसाना गीत ही आखो वाहेगुरु इनू पटने दी गंगा दे कंडे भी गाया गया ही इनू आनंदपुर साहब इनू पौंटा साहब गाया गया ही इनू चमकौर दी गड़ी च गाया गया ही इनू सरहदी दी दीवार च गाया गया ही
इन माछीवाड़े दे जंगला च भी गाया गया ही, हाल मरीदा दा कहना मित्र प्यारे नू कहना, हाल अखा भी तो चलो उथे साडे ते कोल ही आ, जे कोई आस्ट्रेलिया विच बैठा दिन मना रहा ते ओह ते कहिंदे मेरे लिए बड़ा दूर आ जी सत समुंदरों पार, कोई सरसा ते खलोते नू याद कर रहा है, कोई माछीवाड़े दे जंगल च खलोते नू याद कर रहा है, हाल मरीदा दा कहना मित्र प्यारे नू कहना, हाल चढ़ जो चढ़ जो मित्र प्यारे नू कहना, हाल मरीदा दा कहना मित्र तुद बिन रोग रजाइया दा ओडन, तुद बिन रोग रजाइया दा ओडन, तुद बिन नाग नवासा दे रहना, नाग नवासा दे रहना, नाग सारे पढ़ो बज, बस अज आखरी रात सी, सरकार ने सारिया दे चेहरे वल वेख्या, सारिया ने चेहरा इस तरह फुल वांग खिड़े, सारिया ने आख्या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक प्रशादा सी ना सचमुच एक प्रशादा पहलो सतगुरां दे कोल लियांदा, सुनियो तीओ आपां बहुत कुछ खाने आ, फ्रूट दुध सब कुछ साडे कोल, एक प्रशादा गुरु गोविंद सिंह महाराज अगे लिया के रखे, माता जी ने गुरु साहब ने पूछा माता जी ने छक लिया, कहिंदे नहीं जी प्रशादा एक ही है, जाओ माता जी नू दे लो, माता जी अगे रखिया प्रशादा, माता जी ने आख्या साहबजादियां छक लिया, नहीं जी साहबजादियां नहीं, जाओ उन्हां नू छका दो, साहबजादियां नू पूछिया वह कहिंदे सिंघां ने छक लिया, सुनो सिदक वेखो इहनू कहिंदे सिखी सिदक भरोसा, ना पिता जी ने छकिया ना पुत्रां छकिया ना मां छकिया, आख्या सिखां छक लिया, जे सिखां दे अगे लिया के थाली रखी भी एक प्रशादा ही है महाराज, ते सिखां ने आख्या सतगुरु छक लिया, कहिंदे उन्हां मुड़ के माता जी कोल भेज लिया, माता जी ने साहबजादे कोल भेजता, साहबजादे ने तुहाडे कोल भेजता, आखण लगे नहीं वापस धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं छकाओ, उन्हां दी खुशी लैणी बड़ी जरूरी, अगे जाके प्रशादा रखिया, भाई मैं तुहानूं कहा सी माता जी नूं, कहिंदे महाराज मुड़ के तुहाडे कोल ही आ गया, मेरे सतगुरु ने कहा निके निके टोटे करके पक्षियों नूं पा दिओ, इन्ने दिनों का भुखा सी मेरा बाप भी ते मेरे भरा भी ते मेरे गुरु के सिख भी, किन्ने दिनों दे 6 महीनों दे, बोलो गुरु के सिख, राशन मुक गया सी घेरा पै गया सी, अज 6 महीनों की भुख दे मारे चमकौर की गली च सारिया के चेहरे वल वेखदा सी गुरु, कोई ढींदी गल्ला च नहीं गया, कोई उदास नहीं, एक एक सिख वल वेख्या, जीसों के चेहरे वल वेख्या, जुझारसों के चेहरे वल वेख्या, सारे फुल वांग खिड़े सी, ते आख्या पुत्रो आपां सफर करदे आया, अज रह रस दा पाठ नहीं होया, मारो चौंकड़े वेखो इहनूं गुरु कहिंदे जे, और पता जे 3 कु पैसे दा गुरु जिहड़ा बणिया सी, इतना नकल 3 कु पैसे दा गुरु बणिया सी, 2.5-3 करोड़ चेले बनाई फिरदा, ते एक दिन जेल च रहना पै गया, ते रोण डिया सी, रोंदा सी कि नहीं बोलो, वेख्या टीवी ते तुसीं रोंदा वेख्या, ते अदालत विच जज अगे रोंदा, इहनूं कहिंदे गुरु, इहनूं कहिंदे सिख, आखो वाहिगुरु सिदक नाल बह गए, चौंकड़े वज गए, पाठ शुरू हो गया, हर के जन सत गुर सत पुरखा बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सत गुर शरणाई कर दया नाम परगास, रहरा साहब दा पाठ हो गया, पढ़ी गई हमरी करो पूर्ण होए, पढ़िया गया तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट, आप हाथ दे मोए बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को, पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई, सारा पाठ कीता गया, गुरु क्या सिखा भोग पै गया, महाराज पातशाह ने हुण आप आख्या गुरु के सिखो,
जितना दे है वो लेट लो थोड़ा सिर समा सवेरे पेपर बड़ा वड्डा है ध्यान दियो गुरु के सिख सवेरे बहुत वड्डा इम्तिहान है लेट लो थोड़े जे आराम कर लो अल्लाह यारखा जोगी का ना सुनिया सुनिया अच्छा वो लिखदा भी जदों सतगुरु के सिख ढालां दे उत्ते सिर रख के लम्मे पै गए ते दमाले कई दे ढिले हो गए आखिर बदे सी किन्ने वेले दे बदे होणगे आनंदपुर साहब का किला किस वजह का छड़िया है आखो वाहेगुरु ढिले हो गए तो कई पले खुल गए कि दमालिया के पले खुल गए अपन भी पता ढिले हो जाते तो कलगीधर पातशाह सुते नहीं सी कलगीधर पातशाह ने फट फट के हर एक दे दमाले ते सिद्धे किते अल्लाह जी आरखा जोगी कहिंदा एक सिख जागदा सी आखो वाहेगुरु जिहड़ा अख खोल के वेंदा सी भी महाराज हुण की कर रहे महाराज पातशाह दो जहान दे मालिक जी वह अपनी कलम नाल लिखदा किसी का दाहिन चूमा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दाहिन किनू कहिंदे बोलिया करो गुरु के सिख मेरे कोलों ही सुनना जे कुछ थोड़ा जिहा याद भी करो दहन कहते मत्थे नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कोल बह के किसी का दहन चूमा बोलो उन्हां सिखां दे विचों किसी का मत्था चूम लिया किसी के हाथ चूमे किन्ने ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕੁਟਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਚਰਵਾਈਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਗਰ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਇਹ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਡੇ ਆ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਕਿਸੇ ਦਾ मत्था चूमिया किसी का दाहन चूमा किसी के हाथ चूमे ते किसी के पाम चूमे वाह तन गुरु गोबिंद सिंह साहब किसी सिख दे पैर चूम लै तो सिख उठिया उन्हें उठ के आके कह कलगिया वाले पातशाह असी तुहाडे चरण चूमीए ते बनदे ने तुसी सिखां दे पैर चूम रहे हो ते तन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहन लगे ये पैर मैं तां चूमे ने सुनो सिद्धे हो जाओ थकत नहीं गए थोड़े टेढ़े होके बह गए मेरी धीए सिद्धे होके बैठो आखो वाहेगुरु समा हो गया चार मिनट बाकी मैं पैर ता चूमे ने इन्हों पैर ने सवेरे भज भज के दस लख दे घेरे च बनना ये पैर ता चूमन योग ने हथ मैं ता चूमे ने इना हथा ने सवेरे नेजे वाहने इना हथा ने सवेरे तेगे वाहने इना हथा ने चक्कर छड़ने इना हथा ने दस लख दे विच जाके लड़ना ए हथ ता मुबारक ने पैर मैं ता चूमे ना भज भज के जाके जाना चुनिया मार के जंग विच मोए मरने का चाओ है ते मथा मैं इस करके चूमिया भी इस मथे ते सवेरे फनियर वर्गे तीर वजने ने मगर इन्हें सन्मुख होके धर्म लई लड़ना है गुरु क्या सिखा वो मेरा गुरु अज अपने पुत्र नूं सद के कहिंदा पुत्रा तू पुछदा हुंदा सै ना भी उत्थों मुड़दा क्यों नहीं कौन पतंगा पतंगा मुड़दा क्यों नहीं अजीत सिंघा पिछे भौंके वेख अगे नूं ते रोशनी हूं आ पढ़ रहे सी सिख हुण गुरु के रागी सिंह ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਈ ਤੇ सिर धर तड़ी गली मेरी आओ सिर धर इत मार्ग पैर तेरी जय 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 सिर दी जय कान नकी जय सिर दी जय इतना बाहवा कर लिया ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
गलवकड़ी पाली, बाप दे नाल गलवकड़ी पाली, छाती नू छाती लगी। इतना महाराज पातशाह ने किते सी हाथ, अजीत सौ ने भी उड़ियां बाहां करके हथां विच हाथ पा के आख्या पिता जी आ हाथ मेरे सिर ते रखो ते मेनू भी सीस दियो, दे शिवा शुभ करमन ते कबू ना टरू, ना टरो अरसो जब जाए लो, निश्चय कर अपनी। तुसी करोगे इतना, निश्चय कर अपनी, करो हथा नाल, क्यों ठर गए ने तुहाडे हथ, उची करो ना, निश्चय करे अपनी, सारे करो निश्चय करे अपनी, ना टरू अरस्यों जब जाए लरू, निश्चय कर अपनी। अजीत सौ ने किया, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गलना ला के मत्था चुम के आख्या पुत करके नहीं सिख करके, पुत करके नहीं सिख करके, भी मेरा पुत सिख बन के अज मेरे सामने जितना सिख मंगते रहे ने आण के जंग दी वार, इतना ये भी मंगन आया। ते कलेजे नाल ला के दो गल्लां कीतियां, फिर मैं समाप्ति करदा। आख्या अजीत सिंह आ तू ते मेरे जिड्डा लम्मा हो गया। किन्ने लम्मे सी गुरु गोबिंद सिंह साहब को पता है? 7.25 फुट। चेता करो किन्ने, कदी गिने फिर वेख्यो। हुण ते इत्थे नहीं दिसदा, जिहड़े काले ने ना लोक, काले जानदे जिहड़े बाहरले देश काले लोक, उन्हां च कद हैगे 7.5 फुट दे, अजे भी 7.75 फुट दे। आखो वाहिगुरु, 7.75 फुट उच्चा कद सी गुरु गोबिंद सिंह साहब दा, ते 7.75 फुट ही बाबा अजीत सिंह हो गया। इको जे कलेजे नू कलेजे लगे, बाहवां नू बाहवां लगियां, इतना जे को घड़के बनाया हुंदा शरीर। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे पुत्रा तूं ते मेरे जिड्डा जवान हो गया, मैं ते तेनू कदी अखां भर के वेख्या ही नहीं सी, अपने कोलों बरछा दिता, ते बरछा दे के बाबा अजीत सिंह साहब नू आप दरवाजा खुलवा के बाहर भेजिया, ते बग्गे घोड़े ते भेजिया। नोट करियो किहड़े ते गए हो, कदी चमकौर साहब वेखी जे उस फोटो बार गेट दे उत्ते लगी कतलगढ़ गुरुद्वारे, वेखो एक साहबजादा वड्डा जिहड़ा है वह घोड़े ते गया। जदों जुझार सिंह नू भेजिया ते कलेजे नाल आके आख्या पुत्रा मेरे कोल अज तेरे लिए घोड़ा है नहीं, तेनू पैदल ही लड़ना पैना। पैदल लड़िया छोटा साहबजादा, की नाम सी? बाबा जु बाबा जुझार सिंह बोलिया करो, बाबा पैदल लड़िया 10 लख। इस तरह दोवे साहबजादे शहादत का जाम पी गए, ते नाल दे सिंघां दे विचों 5 प्यारियां चों वी 3 प्यारे शहीद हो गए। आखो वाहिगुरु, इतना ही इतिहास बनता बनता सारिया गुरु के विच धर्म सिंह, दया सिंह ते मान सिंह, 3 सिख चमकौर की गढ़ी दे विचों पिता जी गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल बाहर निकले, मगर अगे जाके वख वख हो गए। कल्ले पिता जी माछीवाड़े दे जंगलां नूं गए, उत्थे जाके अपने प्रीतम प्यारे नूं गीत गा के याद कीता। उत्थों मेरे सतगुरु जी माछीवाड़ा छड के कटाणा साहब आलमगीर साहब हुंदे होए साबो की तलवंडी नूं गए। जदों माता जी ने उत्थे पुछया दूरों खलो के, केड़ी माता ने? माता साहब कौर, साहब कौर ने दूरों पुछया, नहीं पता लगा वो किथे ने, ते तुहाडे वल उंगल करके आख्या इन पुत्रन के सीस पर, बोलो ना गुरु के सिखो आ जड़े बैठे ने ना मेरे पुत, इन्हां दे सीस तो वार दिए सुत चार, ते घबराई ना साहब कौर, घबराई ना, चार मुहे तो क्या हुआ, जीवत कई कई आउणगे, तेरे कई अजीत बन बन के इस पंथ दी सेवा करनगे, तेरे कई जुझार बन के इस पंथ दी सेवा करनगे। ते पुने सतारे दी जेल विच भाई हरजिंदर सिंह नू वेख लो, सुखदेव सिंह सुखे नू वेख लो, गुरु क्या सिखा फांसी दे उत्ते खलो के भी जो गीत चमकौर दी घड़ी च गाया, जो फतेहगढ़ साहब दे विच गाया, ओही पुने सतारे दी जेल च फांसी दे फंदे ते खलो के गाया, मोए मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है। बस इन्नी सेवा प्रवान कर लियो गुरु के सिखो, जाया करो, जे कर सकते हो हुशियारपुर वाले हो, हुशियारपुर वाले कहां कि और कोई जगह है,
जिला तो हुशियारपुर ही है ना, तुहानू बेनती करा डेरिया ते जाना घट करो, कबरां ते जाना घट करो। आखो वाहिगुरु, मैनू नहीं पता तुसी जांदे हो, मैनू नहीं पता तुसी जांदे हो, मैं तुहानू दोषी नहीं कहिंदा। टालियां नू पिपलां नू धागे बंधने ती ओ मैं की किया, बनने बंद करो, खंभड़ियां बननियां बंद करो, हाथ विच सरबलोह दा कड़ा पाओ। आखो वाहिगुरु, पंज ककारां दे धारनी बनो, अमृत दी दात लो, गुरु के बन के रहो, बन के जीवन बतीत करो। ते मरन लगे भी एक सिख कथा करदा एक दिन, कहिंदा सी इंग्लैंड विच, आखो वाहिगुरु, कहिंदा सिख बन के जीना सौखा है ते सिख बन के मरना औखा है। जिदन बंदा मरे लोकी कहने सिख सी, रस्ते दे विच बड़े दम तोड़ जांदे ने लोकी सिखी वजों, तुरे तुरे जांदे, अमृत छक लिया, चार बसां लंबा लाता, आ कुछ करता है कुछ करता। सिखा मरन वेले भी तेनू लोकी आखण, जितना अजीत सिंह नू कहा, जितना बाबा फतेह सिंह नू कहा वी तन सिखी, इस तरह तू भी जिदन कदी सवास पूरे करे लोकी तेनू कहने दी तन सिखी, तन सिखी, तन सिखी। भुलाना चितारे जी, असीस बख्शो, फिर कदी समा मिलिया। ये स्थान किहदा? हां जी, गुरुद्वारा सिंह सभा, इतिहासक लिखिया सी बात, इत्थे अचर धन्य जिथे जाए वाहे मेरा। सो गुरसिखी लै धूर, ऐसे स्थान ते जिथे तुसी बैठे हो रब रब कीता है, एक मिनट होर कर लो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हां, जुड़गियां तारा हूं तो बड़ी संगत आ, हरे भरे हो जोगे। जपो जपो दुनिया जींदी रहे, नाम जपो दुनिया हरी भरी हो जाए। आखो सतनाम श्री वाहे, घर घर विच उठो अमृत वेले, इशनान करो, इशनान करके रब दा नाम जपिया करो। तुहाडे घरां दे विच जिन नर नाम तुहारो कहा, दारद दुष्ट दोख दे, उन्हां घर गरीबी नहीं आउंदी, ओनू वकार नहीं सताउंदे, ओनू बीमारियां नहीं सताउंदियां, जिहड़े घर च अमृत वेले के उठ के नाम जपदा है। हथ जोड़ के बेनती है, वेखो मैं कोई भेटा नहीं तुहाडे कोलों लैणी, कोई पेट्रोल दे पैसे नहीं लैणे, आनंदपुर साहब वाले बापू ने बहुत कुछ दिता। तुहाडी हथ जोड़ के बेनती है भी एक एक मेरी धी एक परण करे भी असीं अमृत वेले उठना है, इशनान करना है, बाणी पढ़नी है, नित उठ गावो रब की बाणी। ते बेनती नहीं सी कही, एक हुक्म कीता सी गुर सतगुर का, जो की करिया करे जी, उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरन, फिर चढ़े दिवस बहिंदिया उठदिया हर नाम बहिंदिया उठदिया रब ने आपे आप सिख तरह का होवे जिहड़ा अमृत वेले उठ के नाम जपे। गुरु कृपा करे तुहाडे सारयां दी झोली च नाम दा धन पवे, ये मेरी अरदास है जी। वाहिगुरु जी का खालसा।